इसी तरीके से इनके जो कोई काम फंसे होंगे या कोई वो मजीद लिंगर ऑन हो जाएंगे इस दौरान, और कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आ जाएंगे। ये ऐसे होगा जैसे पाइप पानी की दबा दबा के कोई यूं यूं कर रहा हो तो पानी निकला वापस आया घट घट ऐसे, जैसे वो अच्छी कम्युनिकेशन और एक मॉडरेट सा, कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मॉडरेट सा मैं समझता हूँ कि उनको फिनेंशियल गेन्स भी मिलते नजर आते हैं और उनके लिए ये रेट्रोग्रेशन बेहतर रहेगी। और बहुत ज्यादा पैसे के मामलात में भी लीव्स के लिए कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग अपने पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रابطہ करना चाहते हैं, जच्चा बनवाना चाहते हैं तो रابطہ कर सकते हैं। आज का मौजू आपको पता है, उसामा साहब का एक बड़ा जबरदस्त हमारे साथ एक साथ चल रहा है और इनका प्रॉमिस है जो वो निभा रहे हैं, मर्करी रेट्रोग्रेशन 26 नवंबर को जो के होगा। इससे किन ज़ोडियक साइन के ऊपर सबसे ज्यादा फायदे होंगे और किन ज़ोडियक साइन ने थोड़ी सी एहतियात करनी है और उन्होंने भी फायदा हासिल करना है, क्योंकि ट्रांजिट कि मैं बात करूं तो सामा साहब बड़ी डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते भी हैं, क्योंकि हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो यहाँ सीख रहे होते हैं तो उनको भी बड़ा इसमें बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा वज़ाइफ से मौजूद जो नाज़रीन मेरा चैनल है उसके ऊपर सामा साहब रूहानी इलाज भी आपको बता रहे हैं बीमारियों का। आप वज़ाइफ से मौजूद जब लिखेंगे यूट्यूब पे आपको वो चैनल मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। तो आज का मौजूद जिस पर हम बात कर रहे हैं, मर्करी रेट्रोग्रेशन किसको फायदा किसने एहतियात, जानते हैं सामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो एरीज की बात करेंगे। मर्करी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड होगा स्कॉर्पियन साइन में, उसके इम्पैक्ट होंगे। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टा घूमना, जहाँ बैठा है वहां नहीं उसके पिछले पे असर देना, और रेट्रोग्रेशन में कोई भी प्लैनेट ज्यादा जोर से असरअंदाज होता है एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल एस्पेक्ट। एरीज के लिए ट्रबल्स नजर आती हैं, काम लटक जाएंगे कुछ दिनों के लिए। इसी तरीके से इनके जो कोई काम फंसे होंगे या कोई वो मजीद लिंगर ऑन हो जाएंगे इस दौरान, और कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आ जाएंगे। ये ऐसे होगा जैसे पाइप पानी की दबा दबा के कोई यूं यूं कर रहा हो तो पानी निकला वापस आया घट घट ऐसे, जैसे वो जो सूरत हाल है वो एरीज के साथ होगी। एरीज को जो है वर्क प्रेशर रहेगा, दिमाग पे बोझ रहेगा, कंफ्यूजन का सामना रह सकता है। इसी तरीके से मीटिंग्स अच्छी भी हो सकती हैं, बहुत बुरी भी जा सकती हैं, बहुत तरह के रिजल्ट्स नजर आते हैं, क्योंकि इनका आठवां घर है स्कॉर्पियन एरीज के लिए और एट्थ हाउस में प्लैनेट बैठ के उल्टा घूमा है, तो डेफिनेटली एरीज के लिए काफी ट्रबलस साबित होगा इस उसका जो है वो इस दौरान इसका रेट्रोग्रेशन। उसके बाद अगर बात करें टॉरस की तो टॉरस के लिए कदरे बेहतर नजर आता है। टॉरस इस टाइम पे इससे नए दोस्त बनाते नजर आते हैं, नए लोगों से मिलते नजर आते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन और एक मॉडरेट सा, कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मॉडरेट सा मैं समझता हूँ कि उनको फिनेंशियल गेन्स भी मिलते नजर आते हैं और उनके लिए ये रेट्रोग्रेशन टॉरस के लिए बेहतर रहेगी। उसके बाद अगर बात करें जेमिनी की तो जेमिनी के लिए मैं समझता हूँ कि ये थोड़े से फैमिली इश्यूज आएंगे इनको, इनका रूलिंग प्लैनेट उल्टा घूमा है, यूं समझे इनका रूलिंग प्लैनेट है जेमिनी का और वर्गो का, तो उसका उल्टा घूमना जिनका रूलिंग प्लैनेट है उनके लिए तो ट्रबल है ही है। इसीलिए जेमिनी और वर्गो को ये ट्रबल्स रहती हैं, क्योंकि मर्करी आपको पता है बिल्कुल पारे की तरह करता है, कभी सीधा कभी उल्टा कभी तेज, बहुत फास्ट प्लैनेट है, कुछ दिनों में ही घूमता है और ये काफी सफर करते हैं। फैमिली इश्यूज आएंगे इसमें, जैसे कहते हैं लॉन्स मिल सकते हैं, फैमिली इश्यूज भी आएंगे, लॉन्स भी मिल सकते हैं, और डिस्प्यूट्स दोस्तों और कोलीग्स के साथ भी आएंगे और ये थोड़ा सा परेशान रखेगा ये जितने दिन रहेगा। और इसी तरीके से बिजनेस फ्रंट पे भी इनको कंपटीशंस और ट्रबल्स और मुकाबलाबाजी उसका सामना रह सकता है, खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंस भी हाई रहेंगे जेमिनाइज के, और इनको इसके लिए थोड़ा सा
अच्छा मैनेज करना पड़ेगा वरना ये घूम जाएंगे। उसके बाद कैंसेरियंस की बात करें तो इनको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लैक ऑफ फेथ, इन कॉन्फिडेंस का सामना रह सकता है। ये स्पिरिचुअल साइड पे गेन करेंगे और इसी तरीके से वर्क प्रेशर इन पे ज्यादा रहेगा। और इस रेट्रोग्रेशन में ये थोड़ा सा ज्यादा, जैसे बंदा कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो बड़ा जोर लगाने की कोशिश करता है, उस तरह की कैफियत से दो चार रहेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे। और इसी तरीके से स्टॉक बिजनेस में जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकते हैं, मॉडरेट सी अर्निंग रह सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाए इनकम से, ये कैंसेरियंस के लिए ट्रबल होगी। उसके बाद लीव्स के लिए बात करें तो ये फैमिली इश्यूज को सॉल्व करेगा लीव्स के लिए। कैरियर फ्रंट पे बहुत सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आप इससे हो सकता है कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड हो जाएं, और इस टाइम पे आप जॉब चेंज कर जाएं, ये भी चांसेस होंगे। कंपटीशंस भी आएगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी कंपटीशंस आएगा, और बहुत ज़्यादा पैसे के मामलात में भी लीव्स के लिए कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। और इसी तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी नजर आती है बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ। उसके लिए उसके बाद वर्गो को डेफिनेटली, जैसे जेमिनी को डिलेज फेस करने, इनको भी डिलेज फेस करने, लेकिन मॉडरेट सी एक लक और सपोर्ट भी इनके लिए बेहतर रहेगी अपने बड़ों से, बड़ों के भाई, बड़े दोस्त, वालदैन या कोई बड़े बुजुर्ग, उनसे कोई थोड़ा सा फायदा नजर आएगा। जॉब में इनके भी तब्दीली आ सकती है, और एक लेकिन मॉडरेट सा कह लें सेटिस्फेक्शन भी रहेगी अगर इस वक्त में चेंज कर चुके हुए तो। बिजनेस फ्रंट पे इनके भी मॉडरेट गेन्स नजर आते हैं, नए बिजनेस प्लान्स जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब ना हो इस टाइम में, ऐसे भरपूर चांसेस रहेंगे। और पैसे का कोई लॉस भी हो सकता है इनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि एक बात सिंपल सी है, ये बुद्धि, बुद्ध कहते हैं इसको, बुद्धि का वो जो है ना वो है मालिक इन अ सेंस ऑफ वैदिक, तो इसका उल्टा घूमना, अकल का उल्टा घूमना यूं समझ लें। तो इसलिए जिनका रूलिंग प्लैनेट है उनकी फोकस आउट हो जाता है, उनसे गलत फैसले होते हैं, उनकी तवज्जो नहीं पड़ती, अटेंशन नहीं पड़ती। जैसे कई दफा आप नहीं कहते यार नजर ही नहीं आया, या मेरे जहन में ख्याल ही नहीं आया, मैं सामने की चीज थी सोच ही नहीं सका। वो क्यों नहीं सोच सके? मर्करी रेट्रोग्रेड था, और हाँ दूसरा ये होता है कि इसमें ये भी बल्कि जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा डीप समझते हैं वो इस दौरान फैसले नहीं करते। कोई भी स्टार हो, कोई भी प्लैनेट हो, मतलब कोई भी आपका असेंडेंट हो, कोई भी मून साइन हो, मोस्टली लोग मर्करी जब भी उल्टा घूमता है उसमें फैसले, फिनेंशियल डिसीजंस, फिनेंशियल एग्रीमेंट करते ही नहीं है। और ये मैं भी समझता हूँ कि ये बेहतर है, सिवाय उसके कि जो बड़े रूटीन का काम कर रहे हो, मतलब एक रूटीन का हिसाब किताब है ठीक है, लेकिन अगर कोई नया, कोई इनोवेटिव या कोई नई डायरेक्शनल आपको अप्रोच चाहिए तो इन दिनों में पेंडिंग कर लें। उसके बाद जी लिब्रा बच्चों के मुतालिक परेशान रहेंगे, इनको बच्चों के कंसर्न रहेगा इस दौरान, और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट लिब्रा का बढ़ेगा, ट्रैवल भी काम के लिए हो सकता है, और लेकिन ये है कि सेटिस्फाइड ना कर पाए वो ट्रैवल, जिस नियत से करें वो पूरा ना हो पाए। इसी तरीके से बिजनेस में भी टर्नओवर कुछ गिरेगा, और पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी जो भी पार्टनर्स होंगे। और इसी तरीके से जी लाइफ पार्टनर भी लिब्रा के डिस्टर्ब होंगे, डेफिनेटली, जब भी याद रखें बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर इज द सेम थिंग। उसके बाद जी स्कॉर्पियंस के लिए ऑब्स्टेकल्स आएगी, इन्हीं के घर में बैठ के बारहवें घर को देखेगा, घूमेगा ना, उल्टा घूमेगा उसी में, तो इनको डिलेज मिल जाएंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा, इसके बाद ये है कि कैरियर फ्रंट पे और जॉब के मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और जॉब चेंज भी करवाएगा। अब आप एक बात देखें, सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे जॉब पे अफेक्ट आ रहा है, यानी कि बंदा अपने काम से घूम जाएगा और दिल करेगा काम छोड़ो कोई और काम करो, बस
यानी कि चेंज ऑफ जॉब में मर्करी की रेट्रोग्रेशन का बड़ा रोल होता है, फाइनेंशियल लॉस में, गलत कमिटमेंट में, लोन लेने में, और दिमाग के ये जॉब चेंज के वो सारी जो इंट्यूशन है वो इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए जितने दिन मर्करी रेट्रोग्रेड रात करता है उतने दिन आप लोगों को ऐसी ख्यालात पे काबू पाना होता है। उसके बाद जी इनको भी ब्लॉकेजेस बिजनेस में, थोड़ी सी रुकावटें, काम, सप्लाईज, और इसी तरीके से अर्निंग में भी, जॉब में भी, बिजनेस में भी थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, और अप्स एंड डाउन्स का सामना लाइफ पार्टनर के अंडरस्टैंडिंग मैटर्स में भी हो सकता है, और इसमें थोड़ा सा इनको मैच्योरिटी का मुजाहिदा करना होगा। सैजिटेरियस, इनको रुकावट का सामना रहेगा, किसी अगर लंबे सफर को प्लान कर रहे थे तो उसको अवॉइड करें। इसी तरीके से मेजर डिसीजन सैजिटेरियस नहीं ले सकते इस दौरान। कैरियर फ्रंट पे भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी अपने कोलीग्स के साथ, अपने, और हो सकता है कि कोलीग्स, जो भी आपका सर्कल है, जेलसी का जेलस हो जाए आपकी ग्रोथ से, और आपका स्कोप में दुश्मनों को ज्यादा पैदा करे, लोग जेलस होके आपका स्कोप कम करें, और आप ये प्रॉब्लम हो सकती है लैक ऑफ सपोर्ट, आपके बिजनेस पार्टनर्स फुल आपको सपोर्ट ना करें जो जिनके साथ सैजिटेरियस मिलके काम करते हैं। और वैसे इसके दौरान प्रॉस्पेरिटी जो है वो रहेगी, अर्निंग जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मॉडरेट सा रहने के चांसेस हैं, और ये भी हो सकता है कि इतने कम हो जाएं कि उधार लेके खर्चे पूरे करने पड़े इन दिनों में। अभी आगे आ जाएंगे क्योंकि अकल घूमी होती है ना, तो बंदा कहता है भी आगे आ जाएंगे, एक दफा तो काम चलाओ ना, पकड़ लो। और इसी तरीके से ओवर ईटिंग, ओबेसिटी का इशू हो सकता है, जिसको थोड़ा सा ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। कैप्रिकॉन्स के लिए इनको जो है कैरियर फ्रंट पे नई जॉब के मिलने के चांसेस हैं जो ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाए, और इसी तरीके से बिजनेस प्रॉफिट में भी जो है वो अच्छे रहें इस महीने, इस टाइम में, इस महीने में, इस टाइम में, और बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो जाए, और ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए फिनेंशियली भी, जॉब वाइज भी खुशखबरियां लगेगा। एक्वेरियस के लिए ट्रैवल अच्छा रहेगा, कैरियर फ्रंट पे भी अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच नजर आती है काम में भी, इनहेरिटेंस से भी कुछ पैसा आता है, विरासती मामलात से नजर आता है, और अगर स्टॉक बिजनेस में है तब भी बहुत अच्छा इनको मिलेगा पैसा। इसी तरीके से लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग डिवेलप करते नजर आते हैं। उसके बाद पाइसिस के लिए लैक ऑफ कम्फर्ट, और इनको भी प्रॉपर्टी इश्यूज, लक इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इस दौरान, और इनको बड़ा ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिदा करना होगा अपना नाम और अपना फेम बरकरार रखने के लिए, वरना अगर जोर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रोफेशनली इनको नाम अगर चाहिए, अगर इनको फेम चाहिए तो जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से बिजनेस मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट्स में भी लेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, फिनेंशियल फ्लो भी कम होगा, और मैं समझता हूँ कि इसमें खर्चे ज़्यादा और इनकम कम रहने के चांसेस रहेंगे। ये ओवरऑल जो 12 पे इसके इम्पैक्ट्स हैं। खबर जो सामा साहब, बड़ा अच्छा आपने बताया, और जहाँ जहाँ नाजरीन आपको बताते चले, जो जो सामा साहब ने इम्पैक्ट बताए हैं ये वहाँ वहाँ असर अंदाज है। इसमें लोग ये ना समझे कि हमारा एजुकेशन कैसी है, अगर एजुकेशन की जिक्र नहीं हुआ इसका मतलब वो ठीक है, जो जो चीज़ों पे असर अंदाज होता है वो बताते हैं। तो सामा साहब, जैसे आपने को बताया कि ये चीज़ हो सकती है, तो वो अगर हो सकती है तो फिर वो तो हो के रहेगी, तो फिर इसमें एहतियात कैसे करेगा जोडिएक, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखें, सूरज निकला है और सूरज 40 डिग्री पे चमक रहा है, सारे के सारों को सनस्ट्रोक हो जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि सूरज 40 डिग्री है, पानी की बोतल साथ रखो, सर पे कपड़ा रखो, माँ कहती है तो मान के निकलते हैं, और कुछ ढीठ होते हैं जो नहीं मानते। अब समझे, जब मैं ये कह रहा हूँ
कि इसमें क्या होता है, तीर तुक्के नहीं लगते। मैंने इसमें क्या कहा कि सबसे ज्यादा फोकस आउट हुआ होगा, गलत फैसले हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मैच्योरली वर्क नहीं करते तो काम खराब होगा। लेकिन इसीलिए तो इस्लाम का सांचा दिया गया है। इस्लाम ने पहले ही बता दिया, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। आप अगर इस्लाम के अंदर ही चलें तो आपको तो ये सारे मसले ही ना हो। ये सितारे उल्टे चलें, सीधे चलें, एक मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट समझे, एक मुसलमान को कोई मसला नहीं है। क्यों? उसको पता है कि माँ के सामने नहीं उल्टा बोलना, बेगम के साथ अच्छा सलूक रखना है। अब यहाँ उल्टा सलूक होगा जब मरकरी घूमेगा, तो किसने कहा कि मुसलमान ना बनो? तो बात यह है कि अगर तरबियत हुई हुई, चलो आज ही मैं कहता हूँ कि आपने मेरे साथ 10 किलोमीटर की रेस लगानी है, तो लगा लेंगे एक ही दिन में, अभी बैठे बैठे नहीं। अगर लेकिन आप रोज रनिंग कर रहे हुए फिर लगा लेंगे तो यस, फिर लग जाएगी। तो अब इस्लाम एक सांचा है, अगर कोई उसकी प्रैक्टिस में है, ये उल्टे घूमे या सीधे घूमे, वो तो उस सांचे में प्रैक्टिस कर चुका है, वो उसी फ्लो में जाएगा अल्लाह का बंदा बन के। लेकिन जब हम उस सांचे में नहीं घूमते तो फिर ये सितारे जब घूमते हैं तो हमें भी घुमाते हैं। पॉइंट समझे, कश्ती निजात इस्लाम है। ये तो हिंदू के लिए भी वही असर कर रहे हैं, क्रिश्चियन के लिए भी, किसी और नॉन मुस्लिम के लिए भी, किसी भी मजहब मिल्लत से कोई भी ताल्लुक रखता है, ये तो अल्लाह का निजाम सब के लिए। तो फिर उसने आप लोगों को अपनी कश्ती दी है तकवा की, कि उसमें बैठो और सफर करो, तो कोई असर नहीं। क्या करेगा मर्करी रेट्रोग्रेड होके, जब बंदे को ये बात बचपन से बिठाई जाएगी कि भाई सोच समझ के बोलना है, तो उल्टा नहीं बोलेगा। अच्छा, बार बार सोच के करना है, गिन गिन के करना है, लिख लिख के बात करनी है, अपने माबेन लिख के फैसले कर लिया करो। मरकरी क्या करेगा? मरकरी वहां करेगा जहां आप शैतान को मौका देंगे, जहां आप इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे, वहां मरकरी मत मार देगा। सिंपल, मत मार देगा। आप समझ आ गई है? या अभी भी कसर है तो और बता दूं, मैं खोलता जाऊंगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे समझ आ गई है। नहीं, समझ आ रही है मुझे बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की, रेमेडीज बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, और ये मेरा नहीं, कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, तो मैंने सोचा कि ये किया जाए, क्योंकि हम तुम्हारे माइंड में भी होना चाहिए, तुम्हारे क्यों नहीं सवाल होते भाई? मेरे अपने होते हैं सवाल, कर रहा हूं और अपने आप को बचा जाता हूँ, लोगों को आगे कर देता हूँ। तो बाकी नाज़रीन, आपने देखा उसामा साहब बड़ी जबरदस्त इनकी रिसर्च होती है, और आप लोगों को कमेंट्स बताते हैं हमें कि इनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं किस तरह की होती हैं। तो टॉपिक अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।